सुरेंद्र, मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। क्या संदेह है? हाँ, हमारी यमुना नदी में रहने वाले कछुए, घड़ियाल, इन सबको भी मोक्ष मिलती होगी। अरे, यमुना नदी में एक बार स्नान करने से मोक्ष मिलती है, पुराण बोलते हैं। सदा जो उसी में रहते हैं उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ, अलावा इसके न जाने कितने परम भक्तों को पकड़कर घटक गए होंगे, वो पुण्य क्या बेकार जाएगा। अरे अरे, इसे देखो तो, न मालूम कोई गहने की तरह से है। क्या? हाय हाय, इसे तुमने हाथ से उठा लिया? कृष्ण 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 प्रारब्ध। अरे, ये तो किसी औरत के नाकिया कान में पहनने का गहना है। इसे दूर फेंक कर झटपट जमुना नदी में गोता लगा। मैं जाके गुरु जी की सेवा की तैयारी करता हूँ, समझा? कृष्ण 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 कृष्ण। Thank you.
भक्त शिरोमणि जो हमारी माता थी तो पिता को दिखा दें, पिता थे तो गुरु को दिखा दें, गुरु देवता को दिखाएंगे, देवता मोक्ष दिखाएंगे, मोक्ष क्या दिखाएगी सो अपने को नहीं मालूम। इसलिए बच्चा लोगों गुरु की सेवा किए जाओ। इसके लिए ऋषि मुनि क्या कह गए हैं जानते हो? क्यों गफलत में पड़ा दीवाने, हरि से कोई नहीं बड़ा, हरि से कोई नहीं बड़ा दीवाने, गुरु से कोई नहीं बड़ा। कि अरे पगले, हरि से बड़ा कौन और गुरु से बड़ा कौन है? इसके बाद भगवान क्या कहते हैं? हनुमान जैसी सेवा करके दौलत गिर पर्वत लूट दीवाने, क्यों गफलत में पड़ा। अपना बल न जानने वाले हनुमान वो हरि नाम भजने के कारण ही समुद्र पर चढ़कर पर्वत को पार कर गए। नहीं नहीं, पर्वत पर चढ़कर समुद्र को पार कर गए, सो हम भी हरि नाम लेकर भव सागर को उतरेंगे। गुरु को भजो। भजन के सेवा ओ अनाथ जीवा, गुरु के भजन के सेवा ओ अनाथ जीवा, गुरु के भजन के सेवा ओ अनाथ जीवा, गुरु के भजन के सेवा। वृंदावन आई गो मैया, वृंदावन क्या? हाँ माँ, याद आवे याद आवे याद आवे याद आवे, वृंदावन की मंगल लीला याद आवे याद आवे, कृष्ण कन्हैया चल छुबीला याद आवे याद आवे, सखियन के संग घाट पे जाना निर्मल जमुना निरनहाना, सब मिल कर लालन गुन गाना, कभी कभी वल्लभ दर्शन पाना याद आवे याद आवे। कानन में बन फूल का खिलना, नभ में तारों का झिल मिलना, मुरली धुन सुन दिल तिल मिलना, मुरली सुन दिल तिल मिलना, मुरली धुन सुन दिल तिल मिलना, कुंजन कुंजन मोहन मिलना याद आवे याद आवे।
चांदनी मधु चांदनी रात मेरा सर जाना रूप मंत्र से प्रेम जगाना कृष्ण रंग में हृदय रंगाना कृष्ण रंग में हृदय रंगाना आपा को प्रभु से मिल जाना याद आवे याद आवे कोई कहे यह मीठा सपना 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 कृष्ण कहानी कवि मन रचना मोरे नहीं कछ कहना सुनना मोरे नहीं कछ कहना सुनना मोहे तो ब्रज लालन ललना याद आवे याद आवे याद आवे याद आवे माता ना रूप गोस्वामी जी का आश्रम यह है मेरे गुरुदेव रूप गोस्वामी जी का आश्रम है वृंदावन आने का फल मिल गया साधु जनों अपने गुरुदेव से कहिए मीरा आई है और आपके दर्शन करना चाहती है माते हमारे गुरुदेव किसी स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते ऐसा उनका व्रत है ये क्यों मुझे विश्वास नहीं होता अपने गुरुदेव से पूछिए इस वृंदावन क्षेत्र में स्त्री कौन पुरुष कौन गोवर्धनधारी गोपी वल्लभ गोपाल को छोड़कर क्या वृंदावन में दूसरा पुरुष भी है कृष्ण के प्रेमी सब भक्तजन क्या स्त्री नहीं माता तुम मेरी गुरु हो तुमने मेरे अहंकार का नाश किया स्वामी जी क्या करते हैं आप ही तो मेरे गुरुदेव हैं दासी मीरा को क्या भूल गए आप जन्माष्टमी के शुभ दिन मेरे घर पधार कर गिरधर की मूर्ति दे जाना क्या आपको याद नहीं ओहो परम भक्त दूधाराव की पौत्री हो श्याम सुंदर के मधुर गीत गाने वाली मेवाड़ की महारानी तुम ही हो माता मैं इतने दिनों से तुम्हारी ही बाट जोता था द्वारकापुरी के नाथ बुला रहे हैं आओ माता महाराणा लोगों की भीड़ बराबर बढ़ती ही चली जा रही है वे लोग उत्पात कर रहे हैं आप चलकर उन लोगों को दो बात समझाएं नहीं उत्तम मेवाड़ की महालक्ष्मी को देश निकाला देकर मैं किस मुंह से प्रजा के सामने जाऊंगा उन लोगों से मैं क्या कहूंगा उत्तम जनता को तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है तुम मीरा के पक्ष के हो ये लोग जानते हैं जाकर उनका समाधान करो देवी की तलाश में आदमी गए हैं कह देना जाओ जो आज्ञा महाराणा नमस्कार महाजनों नमस्कार कहिए क्या समाचार है क्या खबर है क्या विषय आप लोग सब मजे में हैं ना कैसे पधारे आप उत्तम सिंह यह खेल खिलवाड़ का समय नहीं है अकाल और महामारियों से देश उजड़ रहा है मीरा माता के यहाँ से जाने के बाद भी देश पर यह विपत्ता आ पड़ी है महाराणा कहाँ है हम महाराणा को देखेंगे देवी की तलाश में गए हुए दूत लौट कर आ रहे हैं मीरा माता की जय आइए आइए कहिए क्या खबर लाए मम मम महाराणा की आज्ञा से हम लोग वृंदावन तक बड़ी तेजी से दौड़ते गए हैं हवा की तरह गए मन की तरह दौड़े लेकिन खबर क्या लाए वृंदावन में देवी से भेंट हुई इस समय देवी वृंदावन में नहीं है फिर कहाँ चली गई मीरा देवी और महात्मा रूप गोस्वामी जी एक बड़ी भक्त मंडली के साथ द्वारकापुरी को गए महाराणा देवी वृंदावन छोड़कर अब द्वारकापुरी को यात्रा करने गई है उत्तम इसी क्षण में द्वारका के लिए रवाना होता हूँ मीरा को साथ लेकर ही वापस आऊंगा जाकर लोगों से ये कह दो
कहाँ जाऊँ गुण धाम, जो मैं होती जल की मछलिया, जो मैं होती जल की मछलिया, प्रभु करते घोषणा चरण छू लेती है माधो, कहाँ जाऊँ गुण धाम, माधो कहाँ जाऊँ गुण धाम, जो मैं होती सीप की मोती गल बिच होती हा, जो मैं होती मुकुता मोती गल बिच होती हा, पर चढ़ रहती है माधो, कहाँ जाऊँ गुण धाम, माधो कहाँ जाऊँ गुण धाम, जो तुम चाहो मिलना हमारा, हुए
दर्द से मेरे पर्वत पिघल गए। हे कान्हा जी दुख दर्द से मेरे पर्वत पिघल गए। नयनन में दुख जल धरव मारे बरसे। सूख गए मंदिर द्वारे मीरा पुकारे मत हमको बिसरावो। करुणा करो आवो करुणा करो आवो मत हमको बिसरावो। करुणा करो आवो पद मेरे गिरिधारी करुणा करो के प्रभु घर रघुवीरा।